जिला पठानकोट के तारे इलाका जो अपनी स्वतंत्रता के लिए जाना जाता है हुण यह स्वतंत्रता और सुंदरता नूं ग्रहण लग गया है। जिला पठानकोट के इस खेत्र दे विच लोग ज़्यादातर बकरियां पालन का धंधा करते हैं। इस नाल ओह अपने परिवार का पेट पालते हैं, पर पिछले 2 सालों दे विच इस इलाके च 1 महीने तो बाघ का आतंक देखने नूं मिल रहा सी। हुण तक यह बाघ 20 दे करीब बकरियां नूं अपना शिकार बना चुका है, जिस कारण स्थानक लोग काफ़ी चिंतित हैं। गलबात जनाब इदा है कि ये बाघ आए हुआ 2 महीने हो गए इधर। इन्हें पहले भी काफ़ी नुकसान किया, 8-10 बकरियां पहले भी मारियां। फिर अं एप्लीकेशन सरपंच नूं भी दी, सरपंच नाल जाके इन्हें एप्लीकेशन दिलाई है। एप्लीकेशन 2-3 लिखी दी भी है, होर भी जंगलात वाले महकमे वाले भी आए। उन्हें आख्या, उन्हें कहा कि पिंजरा लाँगे इत्थे, ते अज तक तो ना पिंजरा लगे तो ना कुछ दिता। तो हूँ साढ़े फिर दोबारा अज इन्हें साढ़े घटो घट कोई 1.5 लाख रुपया नुकसान किया, 8-10 नाग फिर अज मारते हैं। तो साढ़े पिंडा लोगों का गरीबों का इो साधन है भेड़ बकरियां रखना। इन्हें सिरों अं अपने बाल बच्चे पढ़ाने लिखाने, तो इन्हें सिरों साढ़ा रोजी रोटी का काम चलता है। दूजा फसल बाड़ी तो साढ़े होंगी नहीं, जो बारिश पी तो फसल हो जाती है, नहीं तो फसल वगैरह कुछ नहीं होंगी है। मांग यही है सरकार अगर भी जो छेती तो छेती बाग का कोई बंदोबस्त किया जाए, जनू फड़िया जाए तो फिर इन मारन का कोई बंदोबस्त कर लैन। सर गलबात की भी अज अं बकरियां अपनी चराए करते हैं, तो इतने साढ़े नाल ही हाँ साडा ही जंगल है जी, इतने चारे करता ही बाघ पै गया। उन 4 नाग तो मौके पर ही मारते, बाकी सानू लभे नहीं जंगल च कितने मारे कितने नहीं। अज तो महीना 2 महीने पहले आया हो, 8-9 नाग पहले मारे जी, तो उदों भी कार्रवाई कोई नहीं हुई, तो हूँ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। अभी प्रशासन अगे ही मांग करते हैं कि इनू जल्द तो जल्द फड़िया जाए, तो जो नुकसान हो जिन्हों का उन्होंने उनका रुझाना दिता जाए। तो बाकी प्रशासन अगे ही मांग है भी इन जल्दी तो जल्दी फड़िया जाए।